कर चुके हैं। जगह सुथरा है भाईजान तो जगह सुथरा है, देखिए आज ईद पूरा देश मना रहा है और यहाँ ईदगाह में नमाज़ पढ़ी गई है, उसमें दुआ किया कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में तरक्की करे, अमन सुकून बना रहे, भाईचारा बना रहे और हमारा देश सबसे ऊंचा नाम उसका हो पूरे विश्व में। जैसा कि हमारे यहाँ पे लोग भाई लोग नमाज़ पढ़ के एक दूसरे बधाई दे रहे हैं और यहाँ पर एक और मुहिम चलाई गई है मतदाता जागरूकता अभियान, जो कि बहुत बड़ा पर्व है मतदाता पर्व जो है, जो अभी लोग बालिग बच्चे हो चुके हैं अपनी आईडी बनवाएं वोटर आईडी और जाके अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, सबसे ज़्यादा 25% की मतदान को चाहिए, ये मैं लोगों से निवेदन कर रहा हूँ। आज ईदगाह प्रयागराज की जो सबसे बड़ी ईदगाह है, यहाँ पर लगभग 15,000 नमाजी आते हैं नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह में, और यहाँ पर सभी धर्मों के लोग जो हमारी भारतीय जनहित कल्याण समिति संस्था के बैनर के तरह मौजूद हैं, उनको एक गुलाब का फूल, सिमई और पानी आदि भेंट करके जो है ईद की बधाई देते हैं और उन्हें ये एहसास दिलाते हैं कि हमारी भारत की एकता और अखंडता जो हमारे विश्व में हमारे जो है प्रख्यात है, तो उसको जो है गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखते हुए हम जो है यहाँ पर सभी धर्मों के लोग मिल करके इकट्ठा होकर के ईदगाह के नमाजियों को जो है ईद की बधाई देते हैं। जागरूक किया है आप लोगों ने? 25 मई को प्रयागराज में लोकसभा का चुनाव है, वोट पड़ेगा, तो यहाँ पर हमने जो है लोगों से अपील किया है, नमाजियों से अपील किया है कि आप 25 मई को अधिक से अधिक जागरूक होकर के अपनी स्वेच्छा से बिना किसी डर दबाव के अपना वोट डालें जा करके और हमारी संविधान को, हमारे भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करें।